क्या सेक्शन 149 के चार्जेस सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड में ऑल्टर किए जा सकते हैं? क्या चार्जशीट जमा हो जाने के बाद भी केस की इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डिस्प्यूट आर्बिट्रेबल होते हैं? ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने दिसंबर मंथ में हेल्ड किए, तो आइए जानते हैं उन सभी को और स्टार्ट करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ इंक्लूड्स अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। राजकोट गुजरात में कोविड हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से बहुत से कोविड पेशेंट्स की जान चली गई, जिसके रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लेके कुछ गाइडलाइंस पास करी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस हॉस्पिटल में चेक करें कि फायर सेफ्टी के मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। सेकेंड ये कि स्टेट गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एटलीस्ट हर मंथ हर हॉस्पिटल में विजिट करके ये चेक करें कि वहाँ फायर सेफ्टी से रिलेटेड कौन सी कमियाँ डेफिशिएंसी रह जा रही है। और आर्टिकल 21 के रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा कि पेशेंट भले ही कोविड-19 को हरा दे, पर इस हराने की रेस में वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हार जाता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल जितनी भी फीसेस चार्ज करते हैं ट्रीटमेंट की, उस ट्रीटमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दें, ताकि हर एक आम आदमी आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सके। और जहां आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू हेल्थ इंक्लूडेड है, उसके साथ ही साथ राइट टू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है। इलेक्शन पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल इफ पिटीशनर फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू कन्विक्शन। सरिता नायर, जिन्होंने केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भरा, पर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट हमें ये बताता है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्शन फेस कर रहा है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड कन्विक्शन फेस कर रहा है, तो वो पर्सन नॉमिनेशन भरने के लिए डिस्क्वालिफाइड होता है। और सेम ग्राउंड्स की वजह से सरिता नायर का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके रिजल्ट में हैबी एडिन जो कि रिस्पॉन्डेंट है उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्ट कर लिया गया, जिसके अगेंस्ट में सरिता नायर ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगाई और ये कंटेंशन रखे कि उनकी कन्विक्शन कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंडेड है, इसलिए उनके ऊपर सेक्शन 8 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि भले ही किसी भी नॉमिनेशन भरने वाले पर्सन की कन्विक्शन सस्पेंडेड है, फिर भी वो नॉमिनेशन नहीं भर सकता और सेक्शन 8 उनके ऊपर अप्लाई करेगा और सेम ग्राउंड्स की वजह से इलेक्शन पिटीशन भी मेंटेनेबल नहीं होती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट इन एन अप्रोप्रिएट केस। ये एक डाउरी डेथ का केस है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीज्ड वुमेन के इन लॉज को, जो इस केस के अक्यूज है, उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी, जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डाउरी डेथ जैसे हीनियस और मैट्रिमोनियल केस में एविडेंस प्राप्त करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और अगर हाई कोर्ट्स ऐसे केसेस में बिना कोई स्पेसिफिक रीजन के एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती हैं, तो एविडेंस को का फेरबदल हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और साथ ही साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। पर जिसके अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि केस की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी जमा हो चुकी है, तो कोर्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं कर सकती। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पावर है कि भले ही केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई हो, चार्जशीट जमा हो चुकी हो, फिर भी अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी ये नज़र आता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन मैन्युपुलेट हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही तरीके से नहीं करी है, तो ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी को ट्रांसफर कर सकता है।
क्लोजर रिपोर्ट कैन नॉट बी सबमिटेड मेरली बिकॉज इन्फॉर्मेंट डिड नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैक्ट्स टू इन्वेस्टिगेट। ये कॉन्स्पिरेसी का केस है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद करते हुए क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इसका एक सोल ग्राउंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यह बताया कि जो इन्फॉर्मेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन के द्वारा, उसके दिए गए एविडेंस के द्वारा ये जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की कड़ी निंदा करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा जो भी एविडेंस मिलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके अलावा भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास ऐसे बहुत से सोर्सेज होते हैं जिससे वो एविडेंस प्राप्त कर सकते हैं, पर इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने कोई भी एफर्ट्स नहीं करे। और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को कि कोई ऑफेंस कमिट हो गया, तो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है आर्टिकल 14 और 21 के अंदर, और एक स्टेट्यूटरी ड्यूटी होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कि वो इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जो इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने बिल्कुल भी नहीं करी। लॉन्ग डिले इन लॉजिंग FIR अ कंसिडरेबल ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। तो सेक्शन 438 ऑफ CRPC हमें बहुत से ग्राउंड्स बताता है जिसको कोर्ट कंसिडर करता है और किसी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक नया ग्राउंड बताया कि अगर बहुत लंबा समय बीत चुका है ऑफेंस कमिट होने की डेट और FIR रजिस्टर्ड होने की डेट से, और जो इन्फॉर्मेंट है वो इस लंबे डिले को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या वैलिड रीज़न नहीं दे पाता है कि क्यों इतना लंबा डिले FIR लॉन्च करने में हुआ, तो ये भी कंसिडरेबल ग्राउंड होता है इन एडिशन टू द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 438, और कोर्ट अक्यूज्ड पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट कैन बी इन्फर्ड बाय द इम्प्लाइड कंडक्ट ऑफ डोनी। इस केस में एक फादर ने एक गिफ्ट डीड लिख के अपने सन को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, पर फ्यूचर में जब उसी प्रॉपर्टी के ओनरशिप से रिलेटेड एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो रिस्पोंडेंट ने ये कंटेंशन रखी कि जब वो गिफ्ट डीड लिखी गई और जब वो गिफ्ट दिया गया डोनी को, तो डोनी इस चीज़ से इग्नोरेंट था और डोनी ने कोई भी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नहीं दी। पर सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के द्वारा ये प्राप्त किया कि डोनी बहुत साल से उस प्रॉपर्टी के पजेशन में था, और मेन पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब भी गिफ्ट के एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन उठता है तो एक्सेप्टेंस डोनी अपनी इम्प्लाइड कंडक्ट से भी दे सकता है, जो इस केस में इम्प्लाइड कंडक्ट कोर्ट को नजर आई कि डोनी उस प्रॉपर्टी के पजेशन में बहुत टाइम से था, तो ये उसकी इम्प्लाइड कंडक्ट से उसने एक्सेप्टेंस किया, और वो गिफ्ट जो फादर ने अपने सन को दिया था वो एक वैलिड गिफ्ट है और सन उस प्रॉपर्टी का ओनर है। टेनेंसी मैटर्स गवर्न्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर आर्बिट्रेबल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 111, 114 एंड 114A को इंटरप्रेट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही केसेस जहां पे टेनेंट को अपनी टेनेंसी से एजेक्ट किया जाता है और लीज प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जाता है, तो दोनों ही डिस्प्यूट्स को ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएं, पर ऐसे दोनों डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंडियन पीनल कोड। नो कन्विक्शन अंडर सेक्शन 304 क्लॉज बी इफ अननेचुरल डेथ इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि आप सबको पता होगा सेक्शन 304 क्लॉज बी डाउरी डेथ को पनिशेबल बनाता है। इस प्रेजेंट केस में एपेलेंट ने डिसीज्ड वुमेन के इन लॉज को, जो इस केस के अक्यूज है, उन पे ये एलिगेशन लगाया कि उनकी डाउरी डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए डिसीज्ड वुमेन को उन्होंने पॉइजन देके उनकी डेथ कॉज कर दी। पर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304 क्लॉज बी के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम सबको बताए। सबसे पहला ये कि जो डेथ कॉज की गई है वो मैरिज की डेट से 7 साल के बीच में कॉज की गई हो। दूसरी कि डेथ कॉज होने के तुरंत पहले, सून बिफोर द डेथ ऑफ द विक्टिम, विक्टिम को हरेसमेंट या क्रुएलिटी फेस करनी पड़ी हो ड्यू टू द डिमांड ऑफ डाउरी।
पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रोसिक्यूशन को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि जो डेथ हुई है विक्टिम की वो अननेचुरल है। अगर ये चीज़ प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन असफल रह जाता है तो सेक्शन 304 क्लॉज बी के अंदर अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। चार्जेस अंडर सेक्शन 149 कैन बी ऑल्टर्ड टू सेक्शन 34 इफ कॉमन इंटेंशन बिटवीन द अक्यूज्ड आर प्रूव्ड। तो सेक्शन 149 हमें बताता है कि अगर पांच या पांच से ज़्यादा लोग एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और साथ ही साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमें एक ऑफेंस कमिट करना है और कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर उस कॉमन ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस में एक ऑफेंस कमिट कर देता है तो बाकी मेंबर्स वाइकेरियसली लायबल हो जाते हैं उस ऑफेंस के। तो इस प्रेजेंट केस में सात अक्यूज्ड पर्संस के अगेंस्ट सेक्शन 304/149 के चार्जेस फ्रेम कर दिए गए पर स्टार्टिंग में उनमें से तीन अक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया गया तो बचे चार अक्यूज्ड पर्सन। तो कोर्ट के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अब सिर्फ चार अक्यूज्ड पर्सन बचे तो क्या उनके चार्जेस जो सेक्शन 149 के अंदर फ्रेम किए गए थे उसे ऑल्टर करके सेक्शन 34 में बदला जा सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम सीआरपीसी की सेक्शन 216 पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोर्ट के पास पावर होती है कि वो चार्जेस को ऑल्टर कर सकता है पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हमें दो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए कि अगर इन्हें फुलफिल कर दिया जाता है तो चार्ज को ऑल्टर किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि प्रोसिक्यूशन को कॉमन इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा कि सारे अक्यूज पर्सन के बीच में कॉमन इंटेंशन था और सेकेंड ये कि उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में सारे अक्यूज्ड पर्सन्स ने कुछ ना कुछ एक्ट कमिट किया हो। तो यही डिफरेंस होता है सेक्शन 149 और सेक्शन 34 के अंदर कि सेक्शन 149 के अंदर मात्र मेंबरशिप ही पनिशेबल होती है पर सेक्शन 34 में हर अक्यूज्ड पर्सन को इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कुछ एक्ट कमिट करना जरूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये दो असेंशियल इंग्रीडियंट्स बताए और ये हेल्ड किया कि चार्जेस सेक्शन 149 से सेक्शन 34 में ऑल्टर किए जा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एडवर्स इंफरेंस कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट पार्टी हु डिड नॉट अपीयर इन पर्सन टू डिपोज। इस प्रेजेंट केस में जो ओरिजिनल डिफेंडेंट थे उन्होंने ना तो इन पर्सन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अपीयर किया और ना तो खुद को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल करवाया पर बल्कि डिफेंडेंट के ब्रदर ने पावर ऑफ अटॉर्नी लेके डिपोज किया और साथ ही साथ क्रॉस एग्जामिनेशन में शामिल हुए जिसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 114 क्लॉज जी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर किया जो हमें बताता है कि अगर कोई भी पार्टी खुद इन पर्सन प्रोसीडिंग्स में अपीयर नहीं होती है ना तो विटनेस बॉक्स में आके डिपोज करती है क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करती है तो ऐसी पार्टी के अगेंस्ट एक एडवर्स प्रिजम्पशन कोर्ट बना सकती है। सो गाइज आपके इस वीडियो से जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको इन केसेस को और ब्रीफली पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है उससे आप केस को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे लॉ क्लासरूम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।